Today we are going to Lansdowne and I will show you the trip. वेलकम टू माई चैनल जी एस ट्रेवल आइडिया फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं लैंसडाउन। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो आपको 6 से 7 घंटे लगेंगे और लैंसडाउन में आप जो जगह देख सकते हैं वो आप इस वीडियो में देख पाएंगे। आज जो भी प्लेसेस हम घूमेंगे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जब आप कोटद्वार से लैंसडाउन की तरफ जाएंगे तो पहाड़ों में आपको हाथी भी दिख सकते हैं। जब आप कोटद्वार से लैंसडाउन जाएंगे तो रास्ते में आप एक माता का मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ का व्यू, यहाँ पे आप दर्शन करते हुए जाइएगा जब आप लैंसडाउन जाएंगे। जब आप माता के मंदिर में दर्शन करने आएंगे तो देखिएगा बहुत ही सुंदर व्यू है, मैं आपको भी यहाँ पे एक झरना भी बह रहा है, देखिए नीचे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर झरना बह रहा है। अगर आपको ग्रीनरी पसंद है और पीस पसंद है तो आप लैंसडाउन जरूर घूमने आइएगा। लैंसडाउन जो है आर्मी एरिया है, इसलिए आपको पूरा एरिया आपको बहुत क्लीन मिलेगा। इफ यू आर कमिंग टू लैंसडाउन तो फर्स्ट डे आप कवर कर सकते हैं भोलाताल, टिप एंड टॉप और संतोषी माता का मंदिर है यहाँ पे, और आप यहाँ पे चर्च भी देख सकते हैं। ये लैंसडाउन में आप भोलाताल घूमने आ सकते हैं। यहाँ पे जो पर पर्सन टिकट है आपका 150 का है, आप बोटिंग भी कर सकते हैं उसमें, बोटिंग के लिए। और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, व्यू देखिएगा उधर। यहाँ पे एरिया आपको बहुत ही क्लीन मिलेगा। भोलाताल में आप अंदर घूमेंगे तो यहाँ पे आप रैबिट्स भी देख सकते हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये भोलाताल में छोटा सा लेक है, यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं। जब आप टिप एंड टॉप की तरफ जाएंगे तो रास्ते में सेंट जॉन चर्च है, ये आप देखते हुए जा सकते हैं। जो सेंट जॉन चर्च है 1936 में एस्टेब्लिश हुआ था और 1937 में ये कंप्लीट हो गया था। जब आप टिप एंड टॉप जाएंगे तो रास्ते में सेंट मेरी चर्च भी है, ये भी आप जाते हुए देख सकते हैं। अब हम पहुंच गए टिप एंड टॉप। यहाँ का जो टिकट प्राइस है 20 रुपीज़ है और यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा पहाड़ों का व्यू दिखता है। अब हम पहुंच गए टिप एंड टॉप, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से।
जब आप टिपिन टॉप पे आएंगे तो यहाँ पे पास में संतोषी माता का मंदिर है, वहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। जब आप संतोषी माता मंदिर जाएंगे तो रास्ते में सनसेट पॉइंट भी आएगा, यहाँ से आप शाम को सनसेट भी देख सकते हैं। ये माता के मंदिर जाते हुए रास्ते में सीढ़ियाँ है, यहाँ से आपको जाना होगा, अराउंड 100 से 200 मीटर तक का रास्ता होगा। ये संतोषी माता के मंदिर से आप पहाड़ों का व्यू देख सकते हैं, देखिएगा। अब हम जा रहे हैं ताड़केश्वर टेंपल की तरफ। जब आप लेंसडाउन घूमने आएंगे तो पास में ताड़केश्वर मंदिर है, यहाँ पे आप दर्शन करने आएगा। ये अराउंड 35 किलोमीटर दूर पड़ेगा आपको लेंसडाउन से। ये ताड़केश्वर मंदिर जाने का रास्ता है, आप देख सकते हैं ये रास्ता जा रहा है, बहुत ही सुंदर रास्ता है और बहुत ही आसपास का व्यू बहुत अच्छा है। ये ताड़केश्वर मंदिर के अंदर आ गए हम, ये अंदर का व्यू है, बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये ताड़केश्वर मंदिर के अंदर का व्यू है, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। यहाँ पर आपको बहुत सारे देवदार के पेड़ मिलेंगे, आप देखिएगा व्यू मंदिर का। जब आप कोटद्वार से लेंसडाउन की तरफ जाते हैं तो एक रास्ता चरेक की तरफ जाता है, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रिसोर्ट है जसगर रिसोर्ट, यहाँ पे आप रुक सकते हैं और यहाँ पे व्यू बहुत ही अच्छा है। मैं अभी आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ हैं, अगर आप नेचर के बीच में रहना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके रह सकते हैं। जैसे कि एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं बच्चे, आप देख सकते हैं ये सभी आसपास झूले वगैरह हैं। लेंसडाउन में अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो होम स्टे हैं वो 1500 से 2000 के बीच में मिल जाएंगे, और होटल्स और रिसोर्ट वगैरह अगर आप देखते हैं तो वो आपको 4 से 5 हजार के बीच में यहाँ पे मिल जाएंगे। लेंसडाउन के रास्ते हम श्री सिद्ध बलि धाम के दर्शन कर सकते हैं, ये हनुमान जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ये श्री सिद्ध बलि धाम मंदिर जाने का रास्ता है, ये सीढ़ियां जा रही हैं ऊपर। यहाँ श्री सिद्ध बलि मंदिर में भंडारा भी चलता रहता है।